हेलो मेरे बुखर दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसिपी बाजार में, जहां पर आपको मिलती है इजी और इंस्टेंट रेसिपीज की रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चोकोलावा केक, जो कि आप बिना माइक्रोवेव के यानी कि कढ़ाई में बना सकते हैं और केवल 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और जो भी आपको कढ़ाई यूज करनी है, देखिए इस तरह की विड्थ की आपकी कढ़ाई होनी चाहिए और इस तरह की कढ़ाई को आप थोड़ा सा प्री हीट होने के लिए रख दें। ये कढ़ाई स्पेशल मैंने बेकिंग या फिर केक्स बनाने के लिए रखी हुई है, तो इस तरह से हम इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे और इसे 5 मिनट में, जब तक ये प्री हीट हो रही है, मैं मग केक का बैटर तुरंत हम आपको तैयार कर देते हैं। तो इस तरह से फ्लेम को मीडियम रखें और अब मग केक बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 मग्स लिए हैं और मेक श्योर जो आप मग का मटेरियल हो वो हो जो कि माइक्रोवेव सेफ हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 मग केक बना रही हूँ, तो आप वही कप्स लें, प्लास्टिक ना लें ताकि वो जल जाए। तो माइक्रोवेव सेफ जो भी कप्स आते हैं वही लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कप को ले लें, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और दोनों ही कप्स में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है यानी कि पाउडर्ड शुगर। तो 2-2 चम्मच मैं पाउडर्ड शुगर भी दोनों ही मग्स में ऐड कर दूंगी। ये देखिए 2-2 चम्मच पाउडर्ड शुगर। उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पर कोकोआ पाउडर लूंगी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो देखिए वही सेम टेबलस्पून मैंने लिया है और 1 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर देंगे। ये देखिए दोनों ही मग्स में मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पर बिल्कुल आपको चुटकी भर लेना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो देखिए बिल्कुल चुटकी भर मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और उसके बाद ये है बेकिंग पाउडर, जिसको भी मैं बिल्कुल, देखिए कितना पिंच, 1/4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब दोस्तों ये सब ऐड करने के बाद आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल सकते हैं या फिर इस तरह से अगर आपके पास बटर है तो आप बटर को भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सॉल्टेड हो या फिर अनसॉल्टेड हो, दोनों ही टाइप्स के बटर को आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, वरना आप रिफाइंड ऑयल जो होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 टेबलस्पून मिल्क लेना है, तो वही उसके नाप से मैंने यहाँ पर 2-2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मिल्क ऐड कर लेंगे। अब हमें कप में डले हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से विस्क कर लेना है। थोड़ा सा मिल्क कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले मिक्स करें, फिर अगर आपको ज़रूरत लगे मिल्क ऐड करने की तो ही ऐड कीजिएगा। ये देखिए मैंने दोनों को बहुत अच्छे से विस्क कर लिया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी आपकी थोड़ी लूज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून और थोड़ा सा मिल्क ऐड किया। तो इसी प्रकार से देखिए मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई के अंदर रखेंगे बनने के लिए। जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा देखिए मैं ढक्कन हटाऊंगी और ये देखिए इस तरह का स्टैंड या फिर आप कोई प्लेट रख सकते हैं और इसके अंदर मग को रख दें। अब रही बात ढक्कन बंद करने की, तो आप इसके ऊपर एक पतीला भी रख सकते हैं ताकि ये जो विड्थ है ये कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं इनको 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी और बीच बीच में से चेक भी करती रहूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने पतीला रख दिया है और अब इसे मैं 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसको हटाऊँगी और चेक करूँगी, तो ये देखिए फूल कर किस तरह से ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी टूथपिक की सहायता से चेक कर सकते हैं कि बना है कि नहीं बना है। तो ये देखिए टूथपिक एकदम क्लियर बाहर आई है और ये जो थोड़ा सा है मैं इसको थोड़ा सा अनकुक छोड़ रही हूँ ताकि थोड़ा सा चोकोलावा का टेस्ट दे, देखिए इस तरह से। लेकिन अदरवाइज ये पूरा पक चुका है और अब मैं इसे बाहर निकालूंगी और थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। ये देखिए अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसे अनकुक छोड़ा है इसलिए कि थोड़ा चोकोलावा। और वाकई दोस्तों बहुत ही सुपर डिलीशियस बनता है और 5 मिनट में इंस्टेंटली तैयार हो जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर भी फॉलो और लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।